ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में। दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रसोई किस दिशा में होना चाहिए, आओ जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जो रसोई है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए, यानी कि दक्षिण और पूरब का जो कोना होता है वहाँ होना चाहिए। वो वहाँ के जो स्वामी हैं, जो तत्वों के जो स्वामी हैं, अग्निदेव होते हैं। यहाँ पर रसोई बनने से जो है घर में शुभता बढ़ती है, सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सभी लोग समृद्ध रहते हैं और सभी लोगों की बुद्धि जो है तीव्र होती है, तेजी से सही निर्णय लेके कार्य करने वाली होती है। विशेषता यहाँ पर अग्नि कोण में जब रसोई बनती है तो खाना स्वादिष्ट बनता है, गृहिणी स्वस्थ रहती है, घर की स्त्रियाँ स्वस्थ रहती हैं और पुरुषों का कार्य करने में पूर्ण मन लगता है। अगर किसी कारणवश जो है अग्नि कोण में, यानी कि दक्षिण और पूर्व के कोने पे अग्नि कोण में इस दिशा में रसोई ना बन पाए तो आप जो है बाव्य कोण में भी रसोई को बना सकते हैं। बाव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम का जो कोना है वहाँ पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट की जानकारी लेने के बाद में।